जयपुर आप लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, पर यदि आदेश होगा सीएम साहब का तो जाएंगे बिल्कुल। फ्लोर टेस्ट को लेकर बार बार मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं कि जब भी फ्लोर टेस्ट होगा हम अपना बहुमत साबित करेंगे। जी हाँ, वही मैं अभी पहले भी मैंने मीडिया के साथ ही उसे बोला, अभी बोलता हूँ, फ्लोर टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो विधायक बेंगलुरु शिफ्ट किए गए हैं उसमें ज़्यादातर विधायकों का यह कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो समर्थन है मगर हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। वही मैंने बोला कि जिन लोगों को बेंगलोर ले गए उनको ये बोल कर ले गए हैं कि माननीय सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा भेजेंगे, पर जब ये उद्देश्य पूर्ण होते नहीं देख रहे तो कोई विधायक इस्तीफा देने तैयार नहीं, वो पुनः वापस लौटेंगे और कांग्रेस के ही खेमे में खड़े मिलेंगे आपको। ठीक है, कांग्रेस को जरूर है और ये देखिए सिलसिला लगातार यहाँ पर चल रहा है, ये सभी विधायक जो हैं वो पहुँच रहे हैं, ये मंत्री हैं हुकुम सिंह कराड़ा, इनसे भी बातचीत करते हैं। फ्लोर टेस्ट, सर फ्लोर टेस्ट को लेकर बार बार बात कही जा रही होगी, सरकार रहेगी, सिंधिया जी को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी में जा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, अब वो सब सामने हैं आपके जो जा रहे हैं, जो भी है सामने परिस्थितियां हैं। और ये देखिए लगातार जो है विधायकों का मंत्रियों का आने का सिलसिला चल रहा है, सभी विधायक पहुंच रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि हम जो है बहुमत जरूर साबित करेंगे। ये कुणाल चौधरी को भी यहां पर आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर पूरी तैयारी कर ली गई है जयपुर शिफ्ट करने को लेकर, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी, इस बैठक में एक नई रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा और गोविंद सिंह को बेंगलुरु भेजा गया है उन विधायकों से बातचीत करने के, उन्हें समझाने के लिए कि आप कांग्रेस को समर्थन कीजिए। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं। कुणाल जी, क्या आप सभी लोगों को विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए अभी यह तय नहीं है कहां क्या हो रहा है, स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं और हमने दिया है अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कहेंगे उसमें हम सब तैयार हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर बार बार मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? देखिए मुख्यमंत्री जी अगर दावा कर रहे हैं तो वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो जो कहते हैं वो वचन के व्यक्ति हैं, वो कभी शिवराज की तरह भाषण या उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी के भी कई विधायक उनके संपर्क है। स्पष्ट है इस प्रदेश में जब से माफिया राज का सफाया हुआ, किसान कर्जा माफी हुआ गरीब का, तो हर विधायक, पिछली बार भी वोटिंग हुई थी तो 121 हो गए थे और इस बार वोटिंग होगी तो 130 हम पहुंच जाएंगे, तो 130 तक पहुंच जाएंगे, कांग्रेस के भरोसा है। ये देखिए पूरा लगेज भी अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे हैं, आमतौर पर इस तरह से ये विधायक चलते नहीं हैं और लगातार इसी तरह से इन विधायकों का आना जारी हो गया है। कई विधायक मंत्री पहुंच चुके हैं और इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा अब सीधे सीधे बेंगलोर, और एक नई रणनीति भी बनाई जा रही है कि क्या कुछ संपर्क, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं, कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी अच्छी बातचीत होती है उन विधायकों से जो कि अब एक तरह से कांग्रेस में या कहें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए हैं। शोभा ओझा भी पहुंची है, उनसे भी बातचीत करते हैं। फिलहाल ये भी बात निकल करके आ रही थी कि गोविंद सिंह और सज्जन सिंह वर्मा बेंगलोर के लिए रवाना होंगे, उनका क्या स्टेटस है? देखिए मैं समझती हूँ कि वो सब विधायक टच में हैं और वो सब आ जाएंगे, बिल्कुल ऑल इज वेल, वी विल प्रूव आवर नंबर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। कांग्रेस के पास फिलहाल क्या संख्या है? देखिए संख्या जो विधायक गए हैं सिंधिया जी के साथ वो वापस आएंगे, जो फिलहाल विधायक हैं, जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं और तमाम संख्या है हम उसको साबित। शोभा जी, बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होगा तो बहुमत साबित होगा और बीजेपी के विधायक भी संपर्क में, बिल्कुल संपर्क में है, फ्लोर टेस्ट होगा और उसमें हम अपनी संख्या को सिद्ध कर देंगे। सिंधिया जी को लेकर क्या कहेंगे आप? सिंधिया जी को लेकर खुद तो गए, समर्थक भी लगे, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतना दिया, जो चार बार सांसद रहे, अभी भी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, आज करोड़ों कांग्रेस जन में कितने लोग कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बन पाते हैं ये सोचने वाली बात है, और जो सिंधिया जी कह रहे कुछ नहीं कुछ मिला कुछ नहीं मिला, कांग्रेस में जो रोना रोया जा रहा है, मैं समझती हूँ पूरे टाइम वो सांसद रहे, इस बार चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, और चुनाव हारे और अभी भी कार्य समिति के सदस्य थे, महासचिव थे, और एक कांग्रेस जन क्या सोच सकता है? आज करोड़ों कांग्रेसी जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, जो जिन्होंने ये सरकार लाने में खून पसीना एक किया है, उनकी आशाओं को आकांक्षाओं को इस प्रदेश की जनता ने जिस सोच के साथ कांग्रेस को चुना था उस सब पे वो पानी फेर। शोभा जी, ये कहा जा रहा है कि जो दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय जो विधायक हैं बेंगलोर शिफ्ट किए गए उसमें कई विधायक ऐसे हैं जिनका कहना है कि सिंधिया जी के साथ तो है मगर बीजेपी में जाने को तैयार, सही कह रहे हैं, वो बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है, वो अपनी विचारधारा बदलने को तैयार नहीं, सिंधिया जी ना समझे कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया, पर वो तो वो विधायक समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया। आपको उम्मीद है कि वापस आएंगे? देखिए जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा मैं समझती हूँ
कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कांग्रेस अपनी वर्चस्व अपनी संख्या उस दिन सिद्ध कर देगी। आज जयपुर ले जाया जा रहा है सभी विधायकों, अभी पता लगेगा जी। थैंक यू। तो ये शोभा ओझा थी हमारे साथ बातचीत कर रही थी और एक कॉन्फिडेंस जरूर दिखाई दे रहा है इन तमाम विधायकों में कि किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है। साथ ही साथ ये भी कि जो नाराज विधायक हैं, जो बाकी विधायक हैं, उन्होंने मनाने की कोशिशें पूरी यहाँ पर जारी है। शोभा ओझा को आप यहाँ पर सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि जब टाइम आएगा फ्लोर टेस्ट का, वी विल प्रूव आवर नंबर्स।